हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनर आपके लिए ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी लेकर आई हूँ, जो कि नो कांटेक्ट और कलेक्टिव जोन वालों के लिए हो सकती है। अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिएगा, जो भी डीएम और डीएफ जिनके पार्टनर आपकी अभी तक वैल्यू नहीं करते थे, इग्नोर करते थे या आपसे रन करते थे, वो आपकी थर्ड पार्टी की वजह से भी हो सकता है या फैमिली इशू की वजह से भी हो सकता है, तो आपको जल्द ही क्लियरिटी मिलने वाली है। आपकी पार्टनर की लाइफ में कार्मिक ट्रिगर बहुत ही हायर लेवल पर चल रहा है, ये आपको 88 पोर्टल तक रहेगा, तो आपको पूरी तरीके से क्लियरिटी मिल जाएगी, जिनकी वजह से आपकी वर्थ, आपके पार्टनर आपकी वर्थ और वैल्यू नहीं करते थे, आपको चीट करते थे, आपको ब्लेम करते थे, इग्नोर करते थे, तो उनका रियलिटी में अब डार्क नाइट ऑफ द सोल शुरू हो चुका है। 17 से स्टार्ट हो चुका है और ये 88 पोर्टल तक आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और आपको अपने वर्क को बढ़ाने की ज़रूरत है अपने ऊपर, क्योंकि आपके ऊपर असर पड़ेगा या पड़ रहा होगा। अब भी आप साइलेंट हो सकते हैं, नंब आउट फील कर रहे होंगे, सबसे कट आउट फील कर सकते हैं, अपने इंट्यूशन इरीटेड हो रहे होंगे, फैमिली में सबसे लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा, यह सब आपके पार्टनर की एनर्जी है जो आप रिसीव कर रहे होंगे। साथ में आपको बेचैनी, इरिटेशन और वॉमिटिंग टाइप फील हो सकता है। 88 पोर्टल तक आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, आपको खुद से ही अपने पार्टनर को कर्मा बैगेज रिलीज़ करने देना है, क्योंकि इस टाइम कार्मिक ट्रिगर बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, तो उन्हें रिलीज़ करने देना है, उन्हें स्पेस दे देना है, ताकि उन्हें भी क्लियरिटी मिले कि क्या सही है और क्या गलत है। आपको अपने ऊपर अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है और इनर वर्क करना शुरू कर दीजिए, जहाँ पर भी आप स्टिक फील कर रहे हैं, और हेल्थ इशू भी हो सकते हैं। आपको अपना ध्यान रखना है डाइट का, इंट्यूशन पर ध्यान देना है, क्योंकि वो आपको गाइड कर रहेंगे। पॉजिटिव थॉट्स रखनी है, अपने पार्टनर को भी कॉल मैसेज भूल कर भी नहीं करना है, क्योंकि आपको रिजेक्शन भी मिल सकती है, क्योंकि वो अभी हाइपर में है, उन्हें कुछ नहीं समझ आ रहा है, वो तो आपको इग्नोर के साथ ब्लॉक कर सकते हैं, तो अभी आपको उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। साथ में वो सोशल मीडिया से कट आउट हो चुके होंगे या होने वाले हैं, तो पेशेंसली वर्क आउट करिए, अपने ऊपर वर्क करें और पर्पस पर ध्यान दीजिए। जिसका रिजल्ट का वेट कर रहे थे, वो जल्द ही आपको मिलने वाला है, 88 पोर्टल तक मिल सकता है। कुछ के पार्टनर जिनकी फैमिली से रिलेटेड इशू होंगे, तो वो आपको कमेंट और मैसेज कर सकते हैं, तो आपको उनको उनसे अच्छे से बात करनी है, रिस्पेक्टफुली बात करनी है, उनको कोई ब्लेम नहीं करना है, ना कोई ऐसी बात करनी है जिनसे वो हर्ट हो जाए। तो आपको पॉजिटिव थॉट्स रखनी है और इंट्यूशन को फॉलो करते रहना है, गाइडेंस है और चक्रा करते रहना है, मेडिटेशन करना है, इनर वर्क करते रहो, कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन करो, पेशेंस रखो, पॉजिटिव थॉट्स रखो, ग्रेटिट्यूड पे करो गॉड एंजल्स को। थैंक यू सो मच।